सेक्टर 16-17 में पुल निर्माण के चलते यातायात स्थगित। साउथ बाईपास कैमरी रोड पर 10 दिन ट्रैफिक रहेगा बंद, XEN ने बताए वैकल्पिक रास्ते। हिसार के कैमरी रोड व सेक्टर 16-17 में पुल पर गार्डर रखने के लिए बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। शहर में गुरुवार को PWD ने सेक्टर 16-17 में ROB पर एक गार्डर लगाया। रेलवे फाटक पर ब्रिज के निर्माण के लिए गार्डर लगाए जाने हैं। इसी तरह कैमरी रोड फाटक पर भी ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते 10 दिन तक कैमरी रोड एवं साउथ बाईपास पर दुपहिया वाहन या फिर हैवी वाहन लेकर आप नहीं जा सकते। यही नहीं, निर्माण कार्य के चलते कैमरी रोड के पास भी सड़क पर दीवार लगाकर रूट डाइवर्ट किया गया है। सेक्टर 16-17 से भी साउथ बाईपास की तरह हैवी और टू व्हीलर का संचालन बंद रहेगा। यातायात को भारी परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए शहर से तो शाम रोड होकर कैमरी रोड आप आ जा सकेंगे। इसके अलावा सेक्टर 16-17 से पटेल नगर रेलवे अंडरपास भी वैकल्पिक रास्ता है। PWD के XEN विशाल कुमार ने बताया कि सेक्टर 16-17 ROB पर 10 गार्डर लगाए जाने हैं। अगले 10 दिन साउथ बाईपास मार्ग की आवाजाही बंद रहेगी। यदि गार्डर जल्दी लग जाते हैं तो आवाजाही शुरू करा दी जाएगी। गार्डर रखने के बाद एक साइड और कैंप साइड की जो सर्विस रोड है वो अगले करीब 2.5 से 3 महीने तक बंद हो जाएगी। रूट तो अभी जब ये रेलवे ट्रैक के ऊपर हम लोग गार्डर लॉन्च कर रहे हैं तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जब हम ब्लॉक लेते हैं तो उसमें ट्रेनें हम रोक देते हैं। जैसे अभी हमने 2 घंटे का ब्लॉक लिया था तो उसमें ट्रेनें हमने रोक ली थी उस पर्टिकुलर ब्लॉक में। तो अब इस तरह से दो और ब्लॉक लेंगे आज हम, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के, उसमें सारे 6 गटर हम लोग लॉन्च कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक पीरियड में ट्रेन का मूवमेंट नहीं होगा इस ट्रैक पे। तो ये आज ये काम हो जाएगा, कल से ट्रेनें फिर सुचारू रूप से चलेंगी। ये रेलवे पोर्शन है, तकरीबन 9.5 से 10 करोड़ की लागत में हम लोग कर रहे हैं।